एपिसोड की शुरुआत हू मेंशन में होती है, जहां पर टीएनजी शियाजू को लाती है और उसका इलाज करती है। तभी वो देखती है कि जियाजू के शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने उस पर बहुत जुल्म किया हो। और टीएनजी ये देखकर उससे सवाल पूछती है कि तुम्हारे शरीर पर इतने सारे निशान कैसे आए। जियाजू बताता है कि ये निशान उसके अतीत की कहानियां हैं जो वो किसी को नहीं बता सकता, और कहता है कि अब उसे जो कुछ भी उसके साथ पहले हुआ था, अब उसे उसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसका दुश्मन अब खत्म हो गया है। तब टीएनजी भी अपने मन में ही कहने लगती है कि अब उसका भी सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका है, और वो अब थोड़ी राहत महसूस करती है और वो मुस्कुरा रही होती है। इस पर सुयानली उससे पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों लग रही है। टीएनजी बताती है कि अब उसका दुश्मन मर चुका है, इसलिए उसे इस बात की खुशी है। तब सियाजू उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि अगर प्रिंस फिर से वापस आ जाता है तो क्या होगा। इस पर टीएनजी जवाब देती है कि अगर वो वापस आता है तो मैं उसे फिर से जहर दे दूंगी। तभी टीएनजी का भाई जनरल हू तियनबा वहां आ जाता है और वो टीएनजी पर चिल्लाने लगता है। टीएनजी भी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन तभी सियाजू खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर तियनबा उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि प्रिंस सुयानली आप यहां कैसे। ये सुनने के बाद टीएनजी के नीचे से जमीन ही सरक जाती है और वो समझ जाती है कि यही प्रिंस सुयानली है जो सियाजू बनके उसके साथ रह रहा था। और तभी वो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने भाई टीएनजी को देखती है। उसका भाई उससे पूछता है कि वो प्रिंस सुयानली के साथ क्या कर रही थी। टीएनजी कहती है कि प्रिंस सुयानली ने उससे झूठ कहा था कि वो एक सैनिक है और इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी, और वो अपनी भाई टीएनजी से कहती है कि वो प्रिंस सुयानली को मार डाले वरना वो उनके पूरे हू फैमिली के लिए नुकसान पैदा करेगा। जिस पर टीएनजी उसे बताता है कि अब सेवंथ प्रिंस सिर्फ एक आम आदमी है और उससे उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन टीएनजी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसका मानना है कि सुयानली बस उनकी फैमिली का इस्तेमाल कर रहा है और वो भविष्य में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इधर सुयानली जनरल टीएनबा के साथ बातें कर रहा होता है। जनरल टीएनबा सुयानली से कहता है कि उसकी बहन की वजह से उसे जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए वो माफी चाहते हैं। तब सुयानली बताता है कि टीएनजी की वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा उसने उसकी बहुत मदद की है। अब उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी टीएनजी वहां आ जाती है। सुयानली उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीएनजी किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। वो कहता है कि ये सब उसने सिर्फ उसे बचाने के लिए किया, लेकिन टीएनजी को उस पर यकीन नहीं करती और गुस्से में आकर तलवार उठा लेती है। ये देखकर उसका भाई टीएनबा उसे तलवार नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन टीएनजी उनकी बात नहीं सुनती और वो कहती है सुयानली धोखे से उनकी फैमिली का फायदा उठा रहा है। वो सोचती है कि एक दिन सुयानली उनकी पूरी फैमिली को अपने हाथों से बर्बाद कर देगा, और कहती है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सुयानली फिर से एक बार उससे माफी मांगता है। तब टीएनजी सुयानली से कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। सुयानली यह सुनकर मायूस होता है, लेकिन फिर भी वो टीएनजी से वादा करता है कि वो उसे और उसके परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन टीएनजी को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता और वो तलवार को उसके सीने में घुसा देती है और सुयानली नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीएनजी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और वो चीख चीख कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और अपने भाई टीएनली से कहती है, मुझे बाहर निकालो। टीएनलिन उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि ये टीएनबा का आदेश है और वो इसे मानने के लिए मजबूर है। टीएनजी टीएनली से पूछती है कि क्या सुयानली मर चुका है या नहीं। टीएनली उसे समझाता है कि सेवंथ प्रिंस यानी सुयानली ने हू परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, लेकिन टीएनजी फिर भी उसे हेट क्यों कर रही है। इधर सुयानली को देखते हैं जो टीएनजी की वजह से घायल हो चुका है। जनरल टीएनबा उसे समझाने की कोशिश करता है कि टीएनजी हाल ही में कुछ गलतफहमियों का शिकार हुई है। शायद उसे गलतफहमी हो गई है कि प्रिंस सुयानली उसके परिवार के लिए खतरा पैदा करेगा है और इसलिए उसने ऐसा किया। इस पर सुयानली जनरल से कहता है कि टीएनजी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो जानता है कि उसे कोई गलतफहमी है और वो जनरल को बताता है कि 3 साल पहले उसे किसी ने धोखे से फंसाया था, जिसकी वजह से एम्परर के महल में सभी लोग उसे गद्दार समझने लगे। वो जनरल हू से कहता है कि ये सब उसी वजह से हो रहा है और अब वो उस पर्सन को ढूंढना चाहता है जिसने उसे फंसाया था, और वो जनरल टीएनबा से कहता है कि महल में सभी लोग उसे गद्दार समझते हैं, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी गलत नहीं समझा और हमेशा उसके साथ प्रिंस की तरह बर्ताव किया, और उसके लिए प्रिंस जनरल टीएनबा को थैंक्स करता है। इधर टीएनजी अभी भी परेशान थी कि उसके हमले से सुयानली जिंदा बच गया, इसलिए वो उसे फंसाने का प्लान बनाती है और सीधा एम्परर के पैलेस जाती है और एम्परर को प्रिंस सुयानली के बारे में बताती है और कहती है कि उसने कमांडर शियाजू को जान से मारा है, और वो एम्परर को बताती है कि वो भी सुयानली के साथ एक्सियाजू के कत्ल में शामिल थी, इसलिए उसे भी इसकी सजा दी जाए। एम्परर कुछ कहता तभी सुयानली वहां आता है और अपने पिता एम्परर से कहता है कि इसमें टीएनजी की कोई गलती नहीं है, कमांडर सियाजू को उसने ही जहर देकर मारा है, और वो कहता है कि टीएनजी ने सियाजू को मेरे साथ बदतमीजी करते हुए देखा था
और उसे मुझ पर तरस आया और उसने मुझे जहर देकर सिया जू को मारने के लिए कहा। अब एम्परर को उन दोनों पर ही बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर जनरल तियानबा आ जाता है और वो एम्परर को बताता है कि उसकी बहन तियनजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गलतफहमी का शिकार हुई है, और वो एम्परर से माफी मांगता है उसके लिए और सुयानली के फेवर में बोलता है कि उसने जो शियाजू के साथ किया वो सही था, क्योंकि शियाजू स्टेट से गद्दारी कर रहा था। और वो एम्परर को शाही निशानी दिखाता है जिसे उन्होंने शियाजू के पास से हासिल की थी। सुयानली एम्परर को बताता है कि 3 साल पहले शियाजू ने ही उसे ये निशानी देकर उन गद्दार सोल्जर की कमांड संभालने के लिए कहा था जो स्टेट पर हमला करने के लिए आए थे, और अनजाने में वो उनकी मदद करके फंस गया। अब सच सुनने के बाद एम्परर सुयानली को माफ कर देता है और उससे उसकी सारे अधिकार उसे वापस करता है, और साथ ही उसे प्रिंस यी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, जिससे सुयानली बहुत खुश होता है और एम्परर का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी एम्परर उसे इंपीरियल एकेडमी में पढ़ाई जारी रखने का ऑर्डर देते हैं और उसे टीचर वे के गाइडेंस में स्टडी करने के लिए भेज देते हैं। तियानजी एम्परर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एम्परर उसे भी सुयानली के साथ वहां पढ़ने के लिए भेज देता है, जिससे सुयानली और तियानजी को अब एक ही जगह रहना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और तियानजी एक बुरे सपने में होती है जिसमें वह खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करती है, जहां सुयानली उसे फोर्सली किस कर रहा है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को इंपीरियल एकेडमी में पाती है और अचानक सुयानली को वहां देखकर चौंक जाती है। ये देखकर उसे हैरानी होती है कि सुयानली वहां मौजूद है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। सुयानली उसके पास आकर उसके आउटफिट की तारीफ करता है, लेकिन इससे तियानजी खुश होने की बजाय गुस्से में आ जाती है। अब वो दोनों एकेडमी के क्लास में आ जाते हैं और वहां पर की सीवे नाम की एक लड़की जो पहले से उन दोनों को जानती है, वो सुयानली को फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे खुश करने के लिए वो अपने हाथ के ब्रेसलेट सुयानली को देती है और एक तियानजी को भी देती है। लेकिन सुयानली उस गिफ्ट को नहीं लेता और उसे वापस लौटाता है ताकि उन दोनों में कोई गलत फहमी ना हो, लेकिन इससे की सीवे को बुरा लगता है और तियानजी ये देखकर काफी खुश होती है। तभी उनके टीचर आकर उन्हें एकेडमी के रूल बताते हैं और सभी से रूल का पालन करने के लिए कहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद तियानजी कहीं पर जा रही होती है, तभी की सीवे अपनी एक फ्रेंड के साथ आकर तियानजी को धक्का देती है, जिससे उस लड़की का ब्रेसलेट टूट जाता है। और की सीवे तियानजी को ही इसका ब्लेम करने लगती है उसकी फ्रेंड तियानजी की और उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी सुयानली आकर उसे पकड़ लेता है और की सीवे अपनी फ्रेंड को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुयानली को देखते हैं जो अपने टीचर वे यानली से बातें कर रहा होता है। टीचर वे यानली उसे एडवाइस देते हैं कि उसे अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, अगर वो अपने पास्ट को याद रखेगा तो वो कभी भी अपने आने वाले कल को नहीं देख पाएगा। सुयानली थोड़ा कन्फ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो टीचर वे की एडवाइस मान लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तियानजी और सुयानली दोनों एक साथ होते हैं। तियानजी सुयानली को थैंक्स करती है उसकी मदद के लिए। तब सुयानली उसे बताता है कि आज उसने जो उसकी मदद की है उसे उसके लिए ट्रीट देनी होगी। तियानजी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों भी एक होटल में बैठे होते हैं, जहां पर सुयानली ने बहुत सी चीजें ऑर्डर की होती है और उन सबकी कीमत तियानजी को देनी होती है। तियानजी भी उसकी हर बात मान लेती है, लेकिन फिर वो बताती है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वो सुयानली से आधी कीमत पे करने के लिए कहती है। तब सुयानली उसकी बात मान लेता है और बदले में उसे अल्कोहल पीने के लिए कहता है। अल्कोहल लेते ही तियानजी को चक्कर आने लगते हैं और वो बहुत अजीब सी बातें करने लगती है और सुयानली से पूछती है कि उसे कौन सी लड़की पसंद है। सुयानली हंसते हुए कहता है, मुझे एक ऐसी लड़की पसंद है जिसे मैं प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं चाहती। उसके बाद सुयानली उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। सुबह होने पर किसीवे वहां आती है और तियानजी से कल के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तियानजी को ठीक से याद ही नहीं रहता कि कल उसने क्या किया, क्योंकि वो नशे में थी। लेकिन किसीवे को तियानजी से बहुत जलन होने लगती है और वो तियानजी को बताती है कि वो सुयानली को लाइक करती है। उसके बाद वो सुयानली के पास जाती है, तियानजी भी उसके पीछे पीछे जाती है और किसीवे सुयानली के पास आती है और उसके सामने फिसलने का नाटक करती है ताकि सुयानली उसकी मदद कर सके, लेकिन सुयानली उसकी मदद नहीं करता और वो खंभे से टकरा जाती है। तब सुयानली उसे साथ में चाय पीने के लिए पूछता है और वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तियानजी भी उन्हें चुपके से देख रही होती है और किसीवे को लगता है कि वो उनकी जासूसी कर रही है। उसके बाद किसीवे तियानजी को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। तियानजी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। तब सीवे कहती है कि जो भी हार जाएगा उसे सुयानली से दूर रहना पड़ेगा और वो यानली से फ्लर्ट नहीं करेगा। तब तियानजी कहती है, ये तो अच्छी बात है, और वो कहती है कि उसे सुयानली में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब टीचर उन्हें बताता है कि अगर तियानजी हार गई तो उनके हु फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। तब तियानजी कहती है कि वो इस कंपटीशन को जीत कर रहेंगी। वो आदमी उन्हें कहता है कि उन लोगों के पास 8 तीर है और जो भी सबसे ज्यादा तीर निशाने पर लगाएगा वो जीत जाएगा। अब वो दोनों भी तीर चलाते हैं और ऑलमोस्ट दोनों के भी तीर सही लगते हैं। तभी तियानजी सोचती है कि अगर वो हार गई तो इसे सुयानली से शादी नहीं करना पड़ेगी, तो वो हारने का इरादा करती है ताकि वो किसीवे और सुयानली को एक साथ मिला सके, इसलिए वो अपने तीर को गलत जगह लगाने वाली होती है कि तभी सुयानली आकर उसे रोक देता है
और खुद उसके तीर को निशाने पर लगाता है। ये देखकर सीवे को गुस्सा आता है और वो टियांजी से कहती है कि उसने चीटिंग की है। टियांजी बताती है कि उसने सुयानली को मदद के लिए नहीं बुलाया है। सुयानली बताता है कि रूल के मुताबिक अपने पार्टनर के साथ कम्पीट कर सकते हैं और वो कि सीवे से कहता है कि वो भी अपने लिए किसी को बुला सकती है। तभी वहां पर टियांजी का ब्रदर टियानफी आता है और वो सुयानली से कम्पीट करता है और दोनों भी उस मुकाबले में जीत जाते हैं, जिससे टियांजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो सुयानली और की सीवे को एक साथ मिलाना चाहती थी और बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तब सुयानली उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो की सीवे और उसके बीच नजदीकियां क्यों बढ़ा रही है। टियांजी उसे बताती है कि वो बस उसकी मदद कर रही है उसकी फ्यूचर वाइफ को ढूंढकर। तब सुयानली उससे कहता है कि उसे की सीवे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब टियांजी कहती है कि वो की सीवे और उसे एक करके ही रहेंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुयानली की सीवे को बुलाकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो उसके करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है। वो सीवे से कहता है कि उसे सीवे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उससे दूर रहे। सीवे को यानली के बातों से बहुत हर्ट होता है और वो सीधा टियांजी के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है और रोने लगती है। टियांजी भी कहती है कि सुयानली एक बहुत बुरा इंसान है, उसे किसी की फीलिंग्स के कद्र नहीं है। तभी सुयानली टियानफी को लेकर आता है। टियानफी सीवे को रोते हुए देख उससे पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ, वो रो क्यों रही है। तब सीवे उसे कुछ नहीं बताती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद टियांजी अपने भाई टियानफी से बातें करती है और टियानफी से कहती है कि अगर उसे किसी पर्सन से दूरी बढ़ानी है तो उसे क्या करना होगा। टियानफी उसे बताता है कि अगर उसे किसी ऐसे पर्सन से दूरी बढ़ानी है जो उसे पसंद करता है तो उसके लिए उसे जानबूझकर उस पर्सन के करीब होना होगा और दिन भर उसे परेशान करना होगा, फिर वो पर्सन खुद ही तंग आकर उससे दूर हो जाएगा। टियानफी की बात से टियांजी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और अगले दिन फुल रेडी होकर क्लास में जाती है और सुयानली और सीवे के साथ मजाक करने लगती है। सीवे टियांजी से कहती है कि आज एक वो बहुत अजीब दिख रही है। टियांजी इसे इग्नोर करके सुयानली के पास आती है और उससे अजीब सी बातें करने लगती है, जैसे वो दोनों एक दूसरे के बारे में सब जानते हो। लेकिन सुयानली सब समझ रहा था और वो टियांजी को लेकर एक जगह पर जाता है जहां बारिश हो रही थी और वहां पर वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं। लेकिन टियांजी को अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सुयानली से दूर होने की बजाय उसके और करीब आ रही है। उसे लगता है कि अगर वो इसके करीब आई तो उसकी फैमिली मुसीबत में पड़ जाएंगी और उसे ये बात काफ़ी परेशान करती है। तभी एक नकाब पोश उसके पीछे आता है और वो एक लड़की होती है जो टियांजी को मारने के लिए आई होती है। टियांजी उससे बचकर भागने लगती है लेकिन नीचे फिसल कर गिर जाती है और वो लड़की उसे मारने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी एक और पर्सन आकर टियांजी को बचा लेता है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है लेकिन वो लड़की जल्द ही उन्हें छोड़कर भाग जाती है, लेकिन उसके हमे की वजह से वो पर्सन जख्मी होता है। तभी टियांजी उसके पास आती है और देखती है कि ये वही मांस वाला पर्सन है जिसने 3 साल पहले भी एम्परर के पैलेस में उसकी मदद की थी, और वो उसके मांस को हटाती है और तब उसे पता चलता है कि ये प्रिंस है सुयानली है जो हमेशा उसकी मदद करता था। अब वो इसे वहां से ले जाती है और उसका इलाज करती है और तब उसे सब समझ आता है कि प्रिंस सुयानली ने हमेशा उसकी मदद की है और उसने इसे गलत समझा, और वो ये सच जानकर रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही पहले सुयानली को हु फैमिली का दुश्मन समझा जबकि वो उनकी मदद कर रहा था। अब सुयानली की हालत और ज्यादा खराब हो गई है और ये देखकर वो फिर उससे बूढ़े आदमी के पास जाती है जिसने उसे फ्यूचर दिखाया था, और वो उस बूढ़े आदमी को बताती है कि उसने जो कुछ भी गेम में देखा था वैसा कुछ भी रियल में नहीं हुआ और उसने प्रिंस सुयानली को एक दुश्मन समझा, लेकिन वो तो उसकी मदद कर रहा था। वो कहती है कि वो सुयानली को मरने नहीं दे सकती और वो बूढ़े आदमी से सुयानली को बचाने के लिए एडवाइस मांगती है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि जो हो रहा है होने दो, हो सकता है ये उसके लिए एक लेसन हो। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जिसने टियांजी पर हमला किया था। वो टियांजी के भाई जनरल हु त्यनबा के पास आती है और ये और कोई नहीं बल्कि त्यनबा की रिपोर्टर दोंगलान होती है, और वो त्यनबा को बताती है कि सुयानली की वजह से टियांजी बच गई। तब हमें यहां पता चलता है कि हु त्यनबा ही इस पूरे कांड में शामिल था और जो कुछ भी अभी सुयानली के साथ हुआ उसमें भी इसी का हाथ है, यहां तक कि वो अपने बहन टियांजी को भी मारना चाहता है। दोंगलान उससे पूछती है कि क्या वो सच में टियांजी को मारने वाले हैं। तब त्यनबा उसे बताता है कि वो अपने मकसद के लिए कुछ भी करेगा, फिर चाहे उसे अपनी बहन टियांजी को भी कुर्बान करना पड़े। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।